नमस्कार। देश की वर्तमान स्थिति जो है, कुछ उसके अहम मुद्दों को लेकर आज यह प्रेस वार्ता बुलाना पड़ा। हम जैसे युवाओं को इस विकट परिस्थिति में कभी कभी रात भर नींद नहीं आती है, और स्थिति दिन पर दिन प्रतिदिन इस देश की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैंने कष्ट दिया और आज का यह प्रेस वार्ता बुलाया है। साथियों, आज वर्तमान स्थिति जो है, ओबीसी आरक्षण भी अब खत्म कर दिया गया है हिंदुस्तान के केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार के द्वारा, और उनके कुछ अंधभक्त जो है वो फिर भी मन मस्त मगन हैं, उनके नाम का जाप जिए जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया, नीट जो मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जेईई नीट, उसमें ओबीसी का आरक्षण पूर्णतः खत्म हो चुका है। और आप इस बात को समझिए कि आरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कितनी बलिदानियां इस हिंदुस्तान में दिया था, और आज हमारे पूर्वजों की वह बलिदानियां को यह वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलों की जो सरकार है, वह सरकार हमारे हक को मारते जा रही है। लगातार देश के हर एक एग्जाम में आरक्षण खत्म हो रहा है। कब जागोगे ओबीसी वालों? अब तो जाग जाओ मेरे युवाओं, नहीं तो तुम्हारा हक किसे दे दिया जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। आरक्षण खत्म हो चुका है, ओबीसी आरक्षण खत्म हो चुका है, और हम जैसे युवाओं इसे खत्म होने नहीं देंगे। यह मेरा आह्वान है कि अगर हमें जान की बलि भी देनी पड़ेगी तो सबसे पहले मैं किसी भी चौराहे पर जाके अपनी जान दे दूंगा, अगर आरक्षण को खत्म किया जाएगा तो। अभी देश में एक ऐसी हालात हो गई है विगत 4-5 दिनों से कि जनसंख्या नियंत्रण एक ढोंगी योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कोई बयान दे दिए, और फिर बिहार में भी और समूचे देश में लगातार टीवी चैनल मीडिया पे जनसंख्या नियंत्रण, दो बच्चे एक बच्चे का एक तगमा दिया जा रहा है। हमें लग रहा है यह जनसंख्या नियंत्रण का जो जुमला छोड़ा जा रहा है, वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान स्थिति को हटा करके यह 2022 में जो कुछ राज्यों में चुनाव है उसका एक मुद्दा है। देश की वर्तमान स्थिति के मुद्दा को हटाने के लिए वो लोग एक जनसंख्या नियंत्रण का जुमला किए जा रहे हैं, और हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने का यह एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। जिस तरह से देश में कभी चुनाव से पहले कहीं पर हमला करवा दिया जाता है, एयर स्ट्राइक करवा दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या हर चुनाव से पहले हमारे हिंदुस्तान में विगत 5-6 सालों से होते आ रहा है, उसी तरह से यह भी एक सोची समझी साजिश है। जनसंख्या नियंत्रण हिंदू मुस्लिम की एकता को भंग करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। 2022 चुनाव को लेकर के यह एक नया जुमला है, इसलिए इस जुमले में फंसने की जरूरत नहीं है। हम अपने देशवासियों, प्यारे देशवासियों से आह्वान करते हैं कि यह ढोंगी बाबा और जुमलेबाजों की एक 2022 का चुनावी एजेंडा है, इसलिए आप इसमें ना फंसे, और आप जो जनहित के मुद्दे हैं उस मुद्दों पे डिबेट होना चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ 2022 का चुनावी एजेंडा। आज देश में किस चीज की जरूरत है? आज देश में महंगाई पर कंट्रोल करने की जरूरत है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल की जो लगातार महंगाई, लगातार मूल्य वृद्धि हुई है, उस पे बोलने की जरूरत है। तो आज कहां क्या बोला जाए? जनसंख्या नियंत्रण, जिस कोरोना में लोगों की मृत्यु हुई, जिस कोरोना में लोग को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, अगर मुद्दा ये होना चाहिए तो लूट मूट का, जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा के मीडिया वाले भी उनको चला रहे। यह दुखद है, यह इतिहास माफ नहीं करेगा कि जिस समय देश को महंगाई पे कंट्रोल करने की जरूरत थी
उस समय आप लोग जनसंख्या का जुमला हमारे हिंदुस्तान में फैला रहे थे। आज 19 लाख रोजगार इसी बिहार में देने वाली सरकार कहां चुप? क्यों आरोप प्रत्यारोप वाली सरकार? कभी विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, कभी जदयू भाजपा वाले जदयू पे आरोप लगा रहे हैं, जदयू वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। 19 लाख रोजगार का क्या होगा? 19 लाख रोजगार कब मिलेगा? क्या बिहार के युवा, देश के युवा, छात्र, नौजवान इसी तरह से जाके हर एक एग्जाम में घोटाले के बाद लाठी खाएंगे, पानी का वाटर कैनन खाएंगे, गिट्टी खाएंगे, लाठी खाएंगे पटना की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर? आज 19 लाख रोजगार के बारे में बोलने वाला कोई भी नहीं है। छात्र परेशान है, गरीब रोज मर रहे हैं, गरीब रोज मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, और इस महंगाई की मार से गरीब लगातार हिंदुस्तान में, बिहार में रोज मर रहे हैं। सरकार सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से अपना पाला झाड़ते जा रही है, यह अत्यंत दुखद है। अब तो जागने की जरूरत है हमारे देश के छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान भाइयों को। अगर अब नहीं जागेंगे तो यह हिंदुस्तान कुछ चंद लोगों के हाथों में गुलाम बन जाएगा। अगर अभी छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, छात्र, किसान नहीं जागेंगे तो यह कुछ चंद लोगों में, जो सोने की चिड़िया पहनने वाली हिंदुस्तान, कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में आ जाएगा। यह अत्यंत दुखद है। लगातार हम जैसे युवाओं चिंतित है इस वर्तमान स्थिति को लेकर के, वर्तमान हालात जो देश की है इसको लेकर के लगातार हम लोग चिंतित हैं, और हम लोगों के अंदर एक खून का उबाल उठ रहा है कि हमारा देश कहां जा रहा है। महंगाई की मार से, आरक्षण की मार से, पता नहीं कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हम तो जात पात की बैरियरों को तोड़ करके लोगों को सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की जरूरत है, नहीं तो यह काफी दुखद है। धन्यवाद साथियों।